तो बच्चों, आज मैं आपको भेड़ के बच्चे की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम नीली था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी, सबकी चहेती थी। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चिड़िया, तोता, सब उसे चाहते थे। एक दिन नीली के माता पिता को दूसरे गांव किसी काम के लिए जाना था, लेकिन नीली उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। नीली की माँ ने कहा, नीली, तुम अभी छोटी बच्ची हो, खेलते खेलते कहीं दूर चली जाओगी और कहीं कोई लोमड़ी तुम्हें उठा के ना ले जाए। नीली ने कहा, माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी सारी दोस्त यहाँ पर है। नीली ने एक न मानी। नीली के माता पिता ने दोस्तों को नीली का ध्यान रखने के लिए समझाया और नीली से कहा, घर से अकेले दूर बिल्कुल मत जाना। उसके सारे दोस्त अपने अपने कामों में व्यस्त थे और नीली नरम मुलायम और स्वादिष्ट घास खाते खाते अनजाने में बहुत दूर चली गई। उसे ये भी पता ना चला कि वो जा कहाँ रही है, और अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। उसकी नजर नीली पर पड़ी और उस प्यारी सी जान को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद मुझे चटपटा खाना हासिल होगा। लोमड़ी बहुत खुश तो थी, लेकिन अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो इसके सारे दोस्त यहाँ आ जाएंगे और तब मैं क्या करूँगी। उसने नीली के साथ बात करना शुरू किया और ऐसे जताया मानो वो नीली की बहुत अच्छी दोस्त है। उसने नीली से कहा, नीली, तुम तो काफी दूर चली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नीली ने कहा, अरे हाँ, मैं तो काफी दूर चली आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। मेरी माँ ने कहा। क्या कहा तुम्हारी माँ ने? मेरी माँ ने कहा कि अकेले घर से दूर कहीं मत जाना, क्योंकि लोमड़ी आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। तो ये कहा तुम्हारी माँ ने, लेकिन तुमने उसकी बात कहाँ मानी? चिंता मत करो, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है। आ जाओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ सकती हो, चलो घर चलते हैं। ठीक है। और नीली लोमड़ी की पीठ पर बैठ गई और दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लोमड़ी के घर तक पहुँच गए। तो देखो, ये है मेरा घर, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बाप रे बाप, ये तुम्हारा घर है? छी, कितना गंदा है, तुम इसे साफ क्यों नहीं रखती? तुम साफ कर दो, तुम यहाँ आ तो गई हो ना? ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन तब तक मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना। नीली ने कहा और वो घर की साफ सफाई करने में लग गई। साफ सफाई करते करते उसे भेड़ की चमड़ी दिखाई पड़ी। नीली बहुत ही डर गई। अरे नहीं, अगर ये प्राणी लोमड़ी निकली तो? काश मैंने अपनी माँ की बात सुन ली होती। और वो रोने लगी, लेकिन अचानक उसे एक चिड़िया की सीटी सुनाई पड़ी। जब उसने खिड़की के बाहर झांका, तो उसे पता चला कि ये चिड़िया तो उसकी दोस्त है। चिड़िया ने नीली से कहा, रोना मत, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो प्राणी एक लोमड़ी है, अब हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकती, तुम उससे ऐसे बातें करती रहना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दोस्त तोता जी बाकी दोस्तों को तुम्हारे मदद के लिए बुला लेंगे। अचानक वो खामोश हो गई, क्योंकि लोमड़ी कमरे में आ चुकी थी। कमरे में आते ही लोमड़ी ने कहा, देखो तो मैंने कितना सारा खाना लाया है, पहले इसे खा लो, मुझे जंगल में जरूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। लेकिन दोस्त, मुझे लगा कि आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ देंगी। अरे तुम्हारे माता पिता तो घर में नहीं है, उनके आने तक तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो, मुझे अपने काम से वापस आने दो, फिर हम रात के खाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है। लोमड़ी बाहर चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया था। अब तो नीली बहुत ज्यादा घबरा गई और वो रोने लगी।
वो वापस आने के बाद रात के खाने के बारे में सोचेगी, मतलब मुझे खाने के बारे में सोचेगी। अचानक चिड़िया ने सीटी बजाई और नेली के सारे दोस्त वहाँ हाजिर थे। हाथी भैया आ गए और उन्होंने अपनी सूंड से दरवाजा तोड़ दिया। जल्द ही नेली बाहर आ गई और उसे घोड़ा और कुत्ते की भी आवाज सुनाई दी। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? नेली ने पूछा और सब ने कहा, नहीं, हम यूं ही घर नहीं जा सकते। नेली, जाने से पहले इस लोमड़ी को हम सबको मिलकर सबक जो सिखाना है। फिर सारे दोस्त इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक योजना बनाई लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए। क्या आपको पता है वो योजना क्या थी? उन्होंने नेली को छत के ऊपर रख दिया, बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी थी और कुत्ता पीछे के दरवाजे के पास बैठा था। हमारे घोड़ा भैया दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे और हाथी भैया जंगल के पास पहरेदारी कर रहे थे। अंधेरा हो रहा था, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और लगभग मध्य रात्रि के वक्त लोमड़ी वापस आ गई। वो बहुत भूखी थी, उसे लगा कि वो नेली को एक झटके में खा जाएगी। जब उसने दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। दरवाजे के यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें अटक कर वो बस गिरने ही वाली थी। फिर लोमड़ी गुस्से से चिल्लाई, नेली कहाँ हो तुम? तुमने बत्ती क्यों नहीं जलाई भला? लेकिन हाथी भैया ने नेली को छत पर रख दिया था। फिर नेली ने जवाब दिया, मेरी दोस्त, मैं यहाँ ऊपर हूँ, देखो मुझे लोमड़ियों से बहुत डर लगता है। ओ, डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब नीचे आ जाओ नेली। नेली ने जवाब दिया, नहीं। अरे नीचे आ भी जाओ, छोटे से बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? ठीक है, मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। लोमड़ी छत पर आने ही वाली थी तभी बिल्ली ने उस पर हमला किया। म्याँ, म्याँ। लोमड़ी बहुत डर गई और उसने सोचा कि चलो पीछे के दरवाजे से भाग निकलते हैं। वो पीछे के दरवाजे तक आ तो गई, लेकिन वहाँ हमारे टीपू भैया पहरा दे रहे थे। लोमड़ी के ऊपर हर दरवाजे पर हमला हो रहा था। वो बहुत डर गई और उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, हमारे घोड़ा भैया तैयार बैठे थे। उन्होंने लोमड़ी को इतनी जोर से लात मारी कि लोमड़ी की टांग टूट गई। लोमड़ी दर्द से रोने लगी और जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन जंगल पर तो हाथी भैया का पहरा लगा हुआ था। उन्होंने लोमड़ी को उठाकर एक पत्थर पर इतनी जोर से पटक दिया कि वो उठ ही नहीं पाई। फिर नेली हाथी भैया की सूंड पर बैठी और सारे दोस्त हंसी खुशी घर वापस लौट आए। हाथी भैया ने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि चिड़िया और तोते ने तुम्हें देख लिया था, वरना उस लोमड़ी को हम सबक नहीं सिखा पाते। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सबक लेते हैं कि दोस्तों को हमेशा चौकन्ना रहकर अपने सच्चे दोस्त की मदद करनी चाहिए।